नमस्कार, मायसेल्फ बसंत भाली, प्राइमरी एच एम अटैच टू जीपीएस कृष्णनगर 6.5 शरारती। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जादुई का पिटारा के संबंध में बताऊंगे। जादुई पिटारा है क्या चीज? जादुई पिटारा है शिक्षण अध्यापन सामग्री जो इसी में है। आप देख सकते कि अंदर बाहर चारों तरफ इसमें कुछ ना कुछ है। बाहर चलिए, बाहर से शुरू करते हैं। ए है जो इस ए है मिसिंग नंबर का 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ये तो गया ये आपका। फिर ए है सेकंड बिफोर आपका नंबर 4 लिखा हुआ है, उसका पहले इसमें 3 4 आफ्टर नंबर बच्चा खुद ही बता देंगे 5 6 7 लिखा है। इसी तरह देखिए एक ग्रेटर देन सिंबल है, 7 है ग्रेटर देन 2, उसका बाद है 1, लेस देन सिंबल है 6। आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को पता चल जाएगा कि एक से बड़ा से है। और बच्चा लोग को ऐसे ही समझाते हम लोग, जो खुला खुला मुंह रहेगा वो साइड बड़ा है, ये साइड खुला है, खुला का सामने है बड़ा, तो 7 बड़ा है। इसी तरह 8 = 8, इसी तरह हम लोग को बच्चा को सिखाते हैं। उसका बाद ये साइड भी देखेंगे, काउंटिंग काउंटिंग कर सकते आप। ये 1 है कि एक ही चिड़िया है। उसका बाद आपको प्लस साइन दिखेगा, इंटू साइन दिखेगा, इजिकल टू साइन दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा आपका, ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर, सब मैथ्स का सारा सामान दिखेंगे। आप अगर इसका अंदर जाएंगे तो आपको इसका अंदर भी कुछ ना कुछ सामान दिखेगा। जैसे एक क्यूबॉइड है, 3D का है, इसको बनाया कैसे? सिंपली एक पैकेट, जैसे चॉक बॉक्स रहता, चॉकलेट बॉक्स रहता खाली, उसको ऊपर एक पेपर चिपका के कलर कर दिया, बस हो गया एक क्यूबॉइड। अभी बच्चा को अगर हम बताएंगे कि क्यूबॉइड का कितना फेस है, बच्चा खुद ही बता देंगे, 1 काउंट करके 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना कोण है बच्चा लोग आसानी से बता देंगे और बच्चा जीवन भर इसी को याद रखेंगे। जादुई पिटारा का मकसद है क्या कि बच्चा को किताब का अलावा स्थानीय संसाधन द्वारा अनगिनत संसाधन से बच्चा को सिखाना पढ़ाना। इसमें बच्चा का क्या खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चा को छोटा प्राइमरी फाउंडेशनल लेवल में बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि खेल रहा हूँ। बच्चा को इस तरह एक भयमुक्त वातावरण का सृजन करना कि बच्चा खुद अपना आप पढ़े लिखे, और इसमें बच्चा का क्या होएगा, शारीरिक विकास होएगा खेल का दौरा, मानसिक विकास होएगा, नैतिक विकास होएगा, भावनात्मक विकास होएगा, संख्या ज्ञान होएगा, इसमें भाषा ज्ञान आएगा, और इसमें आएगा बच्चा को सांस्कृतिक ज्ञान। अगर बच्चा इसी तरह सीखेंगे तो बच्चा खुले आसमान में पैर फैला के उड़ेंगे और अपना डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू।